दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? आइए आज हम सेवन चक्रा मेडिटेशन करते हैं। मैं नीता यादव, रेकी ग्रैंड मास्टर योगाचार्य। तो आइए शुरुआत करते हैं। एक आसन पर आरामदायक अवस्था में बैठेंगे। अगर पद्मासन लगा सकते हैं तो लगाएं। पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, जिस भी अवस्था में आप लंबे समय तक रुक सकते हैं उस अवस्था में बैठे। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा। मन शांत। एक लंबी गहरी सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें। मन शांत, अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, अपनी आती जाती सांसों को देखें। महसूस करें आपके सांसों की गति धीमी होती जा रही है और धीमी और धीमी और धीमी। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। कोई भी सांस आपकी अनुमति के बिना ना अंदर आए ना बाहर जाए। पूरा ध्यान अपनी आती जाती सांसों पर। मन शांत। अपने पूरे शरीर को शिथिल छोड़िए। देखिए आपका पूरा शरीर शिथिल होता जा रहा है, और शिथिल और शिथिल और शिथिल। अपनी चेतना को रीढ़ के अंतिम सिरे पर ले जाएं, मूलाधार चक्र। जिसका मंत्र है लम। एक लंबी गहरी सांस भरेंगे और मंत्र का उच्चारण करेंगे। लम। नाभि से 2 इंच नीचे स्वाधिष्ठान चक्र, जिसका मंत्र है वम। लंबी गहरी सांस भरें। वम। नाभि से 2 इंच ऊपर मणिपुर चक्र, जिसका मंत्र है रम। लंबी गहरी सांस भरें। रम। हृदय में स्थित अनाहत चक्र या हृदय चक्र, जिसका मंत्र है यम। लंबी गहरी सांस भरें। यम।
कंठ में स्थित विशुद्धि चक्र, मंत्र है हम, सांस भरे हम, दोनों भौहों के मध्य आज्ञा चक्र, जिसे थर्ड आई चक्र भी कहा जाता है, अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर लगाएं, जिसका मंत्र है ओम। लंबी गहरी सांस भरें, सिर के चोटी वाले हिस्से पर सहस्रार चक्र, जिसे ब्रह्म स्थान भी कहा जाता है, जिसका मंत्र है ओम। गहरी सांस भरें, अपने पूरे शरीर में ओंकार की कंपन को महसूस करें। आपका पूरा शरीर ओंकारमय हो गया है। अपने शरीर की कंपन को महसूस करें, अपने हृदय की धड़कन को महसूस करें। अपने मन की आंखों से अपने पूरे शरीर की अंतर यात्रा करें। देखें अपने शरीर को, देखें अपने सातों चक्रों को। मेरे सातों चक्र ऊर्जावान हैं, संतुलित हैं, स्वस्थ हैं। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। अपनी चेतना में पुनः आएंगे, अपने दोनों हाथ की हथेलियों में घर्षण करें। दोनों हाथों को कपनुमा बनाकर आंखों पर रखें। हाथों की ऊष्मा को आंखों में अवशोषित होने दें। अपने हाथों को अपने चेहरे पर, अपने माथे पर, अपने दोनों बाजू पर, शरीर पर घुमाते हुए नीचे लेकर जाएंगे। भूमि दर्शन करेंगे। धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे। ईश्वर का धन्यवाद करें, जो कुछ भी उन्होंने दिया है उसका धन्यवाद करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मन वचन कर्म से हमसे जो भी गलती हुई है उसके लिए क्षमा प्रार्थना करें। अगर किसी ने हमारे लिए नकारात्मकता उत्पन्न की हो तो उन्हें भी क्षमा करें। हरि ओम।